अरे यार, चार लोग थे, संभाल लेते साले को। तू गोली काय को चलाया उसके ऊपर? साला भाई, गोली नहीं चलाता तो वो चलाता था। अरे पकड़े ना, पड़ता है हेलो हेलो हेलो, कट गया। भास्कर के फोन का इंतजार है। ठीक है, आएगा तो मैं बता दूंगी। हेलो हेलो, कमाल है, कोई जवाब ही नहीं देता। शायद ये ट्राई कर रहे हो, अभी तक तो पहुंच गए होंगे ना। प्रमोद, सुना है शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, अपना भास्कर भी कितना बदल गया है ना। मेरी आवाज सुनते ही फोन काट देता है। ठहरो, मैं देखता हूं कौन मजाक कर रहा है। हेलो, कौन बोल रहा है? चाचा जी। हाँ, जयपुर से चाचा जी का फोन। हाँ चाचा जी, जयपुर में सब कैसे हैं? मजे में हैं? तुमने टीवी पे न्यूज नहीं सुनी? न्यूज? कैसी न्यूज चाचा जी? बेटे, वो भास्कर का प्लेन क्रैश हो गया है। व्हाट? क्या हुआ? अभी अभी मिली खबर के अनुसार कल शाम 5:45 पर मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ एशिया पैसिफिक का विमान AP-106 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। विमान में सवार किसी भी यात्री के बचने की कोई संभावना नहीं है। वहाँ पे ICU। सॉरी मैडम, कमिश्नर साहब के ऑर्डर्स, आप ACP साहब से नहीं मिल सकती। बट आई एम हिज वाइफ। सॉरी मैडम। जान दे दूंगा लेकिन जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मत छोड़ना।
लेकिन अगर तुमने जान देने की बात की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। को आपने मौत के मुंह में भेजा है, अब पता चला क्या कीमत चुका है आपने अपनी इज्जत बचाने की। पति ने उसको अपने घर में नहीं जीने दिया और आपने अपने घर में जाते वक्त भूल के गई थी मुझे, दोबारा कभी इस घर में नहीं आऊंगी। क्या हो गया है? मुझे पहले मालूम होता तो इसे कभी नहीं जाने देती मैं। बहन जी, नसीब कली का कौन मिटा सकता है? देखो उस बेचारे बहू को, अभी हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था और भगवान ने मुंह का सिंदूर छीन लिया। कोई नहीं बहू को रुलाओ, सच में ना दिमाग पे असर कर दिया है, वो नहीं रोई तो संत में से पागल हो जाएगी। तोड़ दो उसकी चूड़ियां और पहना दो सफेद साड़ी उसे। तुम्हें मालूम है बहू, सुहाग के इन चूड़ियों में से चार मेरी शादी की हैं और चार मेरी सास की शादी की हैं। ऐसा क्यों माँ जी? ताकि तुम्हारे पति के सर पे हमेशा उसकी माँ और उसकी दादी का हाथ रहे। और हाँ, जब तुम अपनी बहू को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाओ तब तुम भी इस बात का ध्यान रखना। रितिका, रितिका बेटा, भास्कर अब हमारे बीच नहीं रहा। नहीं।
विधवा हो गई। तुम विधवा हो गई हो रितिका। अभिषेक की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन तो हो गया है सर, हमने गोली भी निकाल दी है, लेकिन होश में आने में थोड़ा वक्त लगेगा। भाई साहब, विशाल को गोली लगी। मैं यहाँ 2 घंटे से बैठी हूँ और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। देखो देखो निशा, घबराने की कोई बात नहीं। अभी अभी डॉक्टर ने कहा ना, ऑपरेशन ठीक हो गया, ही इज ओके। एक्सक्यूज मी सर। भाई साहब, अपने पति से मिलने के लिए मुझे किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? बस जैसे उसे होश आ जाए तुम जरूर मिल सकती हो। फिलहाल फिलहाल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आपके साथ कहाँ? इंटरोगेशन के लिए। तुम्हें अकेले चलना होगा। अकेले? पर बंटी। नायक। यस सर। बंटी का ख्याल रखें। ओके सर। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कम विद मी, आ जाओ। चलो सिट सिट। बहन जी, जब से आप यहाँ आए हो ना, मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मंजीत बड़ी जल्दी ठीक होके वापस आने वाला है। अरे उन्ना दिकटी, वो तो पुणे से कल वापस आने वाले थे। ओए प्रताप सिंह का दिल कहाँ लगता है तेरे बिना। चल चल जल्दी चल। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए। हेलो प्रसाद लो।
मैं अधे रास्ते से वापस आया हूँ। आप दोनों को कुछ खबर नहीं है क्या? क्या बात है जी, तुम इतने घबराए क्यों हो? बहन जी सब खत्म हो गया, कोई जिंदा नहीं बचे, पाजी का प्लेन क्रैश हो गया। की कह रहे हो तुसी? ओए प्रीत कौरे, ये सरदार हरजीत सिंह का वादा है कि तेरे पुत्र को भला चंगा करा के वापस ले आऊंगा। मुझे मालूम है आप मजाक कर रहे हो और कर भी सकते हो, आपका हक बनता है। ऐसा भी कोई मजाक करता है? मैं टीवी पे खबर देख के घर वापिस आया, उस प्लेन में कोई जिंदा नहीं बचा जी, कोई बचा। उन्हें कुछ नहीं हो सकता, वो मुझसे वादा करके गए हैं कि मंजीत को चंगा करा के वापस लेके आएंगे, और आज तक उन्होंने जो भी वादा किया है हमेशा पूरा किया है। प्रताप जी आपको भूख लगी होगी, कुलदीप चल रोटी शोटी का इंतजाम कर। पिछले हफ्ते घर पर ऐसा कोई फोन आया था जिसे सुनकर विशाल डिस्टर्ब हो गया हो या फिर उसके बर्ताव में कोई बदलाव नजर आया हो? जी नहीं, हमारे घर ऐसा कोई फोन नहीं आया। पिछले हफ्ते घर पर विशाल से मिलने के लिए कौन कौन आया था? कोई नहीं। क्या विशाल ने तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम डिस्कस की? नहीं। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि विशाल तुमसे कुछ छुपा रहा है या तुम्हें कुछ बता नहीं पा रहा है? नहीं। उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी से तुम दोनों अचानक निकल गए, कोई खास बात? बंटी घर में अकेला था। उस दिन जब नैना और मैं तुम्हारे घर पर विशाल के प्रमोशन की न्यूज देने के लिए आए थे, तुम काफी घबराई हुई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। कितनी अजीब बात है ना निशा, तुम्हें मेरा कोई भी सवाल ऑड नहीं लगा, यहां तक मेरा सवाल पूछना भी तुम्हें ऑड नहीं लगा। भाई साहब वो मैं समझ नहीं पा रही आप क्या पूछ रहे हैं और मैं क्या जवाब दे रही हूं। क्यों पूछ रहे हैं आप इतने सवाल? क्योंकि तुम चीफ ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी एसीपी विशाल कपूर की बीवी हो। बीवी होना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, बीवी होना कोई गुनाह नहीं, पर अपने फर्ज अपनी ड्यूटी से धोखा करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। AP-106 हाईजैक होने के बाद क्रैश हो गया है। अनिशा, कोई पैसेंजर नहीं बचा, सिर्फ एक आदमी की गलती की वजह से। देखो निशा, इस हादसे में 253 जिंदगियां खत्म हुई, यह कोई मामूली हादसा नहीं है, इसने पूरे देश को हिला दिया। अपनों को खोने का दुख
अपनों के बचने की खुशी से ज्यादा होता है। तुम्हें कुछ लोगों की शिनाख्त करनी होगी, उसके बाद तुम शाह से मिल सकती हो। एंड आई होप तुम झूठ नहीं बोलोगी। दरअसल विशाल के साथ जो आदमी है, तुम उसे पहचानती? आदमी को पहचानती हो? हैप्पी बर्थडे टू डियर बंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मम्मी, ये वही आदमी है जिसने मुझे किडनैप किया था।